नमस्कार। सो शायद एक आध वीडियो में मैंने कैजुअली बोला होगा, लेकिन फिर ना फिर से भाई हमारे क्लाइंट्स ही पूछते हैं, तो कई बार मैं वीडियो बनाता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे 50 क्लाइंट और हम तो 50 ऊपर लेते नहीं, 46 सेंट टू बी प्रिसाइज एज ऑफ टुडे, 4 KB वैकेंसी है और फिर हमारे 50 पूरे हो जाएंगे और फिर हम किसी का प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज ऑफर नहीं करेंगे। तो पर ये 46 में भी ना कम से कम 20 पूछते रहते हैं, कोई 10 मिनट 15 मिनट की कॉल जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि वीडियो बनाता हूँ भाई, तुम भी सुन लेना और दुनिया भी सुन लेगी, कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज सरकारी से अच्छे हैं। देखिए MBBS ना कई मायनों में यूनिक कोर्स है, जो मेरे आपको डिफरेंट कोर्सेज में पता चला होगा कि तभी उसकी इतनी डिमांड है और तभी वो एक सिक्योर कोर्स है, और सिर्फ MBBS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BDS और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। और वो उसी यूनिकनेस का एक और प्रमाण ये है कि एक बार MBBS छोड़ दो, बाकी सारे कोर्स उठाइए, आपके बच्चे बड़े भाई बहन ने BTech किया होगा, लॉ किया होगा, BBA किया होगा, BCom ऑनर्स किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग का, कुदरती बात है कि IITs आर वेरी पॉपुलर, IITs आर काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बट लेट्स से टॉप 10 IITs के बाद आप किसी भी लोग से पूछेंगे तो एवरीबडी विल से कि BITS पिलानी इज़ ए ग्रेट ऑप्शन। तो किसी बच्चे को IIT दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, चेन्नई, कानपुर नहीं मिल रहा और उसको बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो वो लेता है, करेक्ट। सिमिलरली और 11-12 IIT रुड़की वगैरह छोड़ दो और आपको CM वेल्लूर VIT में मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, आप लोगे, थापर में मिल रहा है, आप लोगे ना, ऑल दिस आर प्राइवेट। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है कि IIT की फ़ीस भी अब 1.5-2 लाख रुपये साल है और इन कॉलेज की फ़ीस 2.5-3 लाख रुपये साल होगी। अब BBA ले लो, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो भी आपसे लाख रुपये ले रहे हैं। नंबर 3 पे आ जाता है बियॉन्ड शही सुखदेव, एवरीबडी बड़ी गोस फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस, नारसिमुंजी फॉर BBA, जिनकी फ़ीस है 3-3.5 लाख रुपये साल। सरकारी कॉलेज की बात कर ले तो फ़ीस होती है 1 लाख रुपये साल। आप लॉ की बात कर लीजिए, बाकी सभी कोर्सेज में ना जो फ़ीस की रेंज है 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख तक ख़त्म हो जाएगी। बट MBBS ही एकमात्र ऐसी चीज़ है कि सरकारी फ़ीस 1 लाख रुपये से नीचे और प्राइवेट फ़ीस कम से कम 10 लाख, मतलब वो 10 लाख से शुरू होती है और सरकारी तो मैक्सिमम 1 लाख पे जाके ख़त्म हो जाती है। आपको पता है ना मौलाना आज़ाद की फ़ीस आज भी 5,000 रुपये साल है और एम्स दिल्ली की तो शायद 3,000 रुपये साल है, या लेडी हार्डिंग की 3,000 रुपये साल। ऐसे ही मोस्ट ऑफ़ द गवर्नमेंट कॉलेज। तो जब हम MBBS में सरकारी 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 कॉलेज के लिए मरते हैं ना, सो द रीज़न इज़ नॉट क्वालिटी लाइक इंजीनियरिंग और BBA और लॉ और फैशन डिज़ाइनिंग, इट इज़ कॉस्ट। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए अपना कॉलेज चुनने पहले। और शायद मेरे वीडियो सुन के वेरी हैप्पी, कई क्लाइंट्स आए हैं जिनको बिल्कुल बॉटम वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था और अब राउंड 2 में उन्होंने अपना रीसेट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, नॉट देयर गोइंग फॉर टॉप। देखिए जो सरकारी में ज़रा सा मिस कर रहा था, समझ जाइए कि आपको इंडिया का कोई भी प्राइवेट मिल सकता है। सो नाउ दे आर गोइंग फॉर कस्तूरबा, मणिपाल एंड बेंगलोर, लीविंग द लोअर रेटेड सरकारी कॉलेज। कहते हैं सर आपकी बात समझ में आ गई, एक ही बच्चा है, दो ही बच्चे हैं, ज़िंदगी भर कमाया है, इंडिया में वैसे ही हम पढ़ाई और शादी के अलावा तो बच्चों पर कुछ खर्च करते हैं नहीं, जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है वो तो सभी का एक वही खाना खाते हैं, वही गाड़ी में घूमते हैं आसपास, कोई US के डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह हम हर वीकेंड पे जाके एडवेंचर ट्रिप तो लेकर आते नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस का सेम ही ट्रेंड है कि वी स्पेंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ अवर शुड आई से लाइफ अर्निंग्स ऑन बिग ओकेजन्स, मैरिज, बर्थडेज और मे बी एजुकेशन, राइट। सो लोगों को समझ में आया, और फिर से मैं कह रहा हूँ मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस से काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, तो वो सब देखिए। अभी भी आपके पास समय है MCC काउंसलिंग में भी कि रीसेट रजिस्ट्रेशन करके आप एक बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर बजट इज़ नॉट द इशू, ठीक है। तो ये टिप है आपके लिए, ऐसे ही कोई जानकारियाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होता है, एंड यू शुड नो दैट आवर सर्विसेज आर पेड। तो फर्स्ट कॉल भी पेड होती है, फर्स्ट मीटिंग भी पेड होती है, और उसके बाद पूरी काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप हमसे कराना चाहते हैं वो भी पेड होती है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।